अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अल्पसंख्यक योजनाओं पर प्रभावी अमल बजावनी की जाए, सैयद नासिर ने की मांग। अल्पसंख्यक हक दिवस पर जन लोकशाही संगठन की मुख्यमंत्री से मांग। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला नियोजन भवन में आयोजित अल्पसंख्यक हक दिवस पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी तथा प्रमुख उपस्थिति अधिवक्ता की उपस्थिति थी, जिसमें जिलाधिकारी एवं निवासी जिलाधिकारी ने अल्पसंख्यक समुदाय की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में रोशनी डाली और विविध योजनाओं के बारे में बताया। हा जो काही देशाच्या कॉन्स्टिट्यूशनने जो आपल्याला अधिकार दिलेले आहे ज्याला म्हणता येईल डॉमिनन्स त्यांच्यावरती राहू नये, हा या अल्पसंख्याक दिन आयोजित करणे आणि अल्पसंख्याक दिनाच्या त्याच्या दिवशी आपले हक्क आणि कर्तव्य याच्या संदर्भामध्ये आपण सर्वांना जागृत करणे यासाठी या दिनाची मुळात आजची आपण आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। यासाठी राज्य शासनाचे आणि केंद्र शासनाचे देखील अनेक तटी आपल्या 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 अल्पसंख्याकांसाठी असणाऱ्या सर्व कल्याणकारी योजनांची माहिती ही आपल्या 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 माध्यमातून त्यांच्या माध्यमातून आणि या अल्पसंख्याकांचा तुम्हाला माहीत नसेल कदाचित अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हा स्तरावरती अल्पसंख्याक विकास अधिकारी म्हणून निवासी जिल्हाधिकारी जे आहेत। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक अशासकीय सदस्य तथा अल्पसंख्यक मजदूर संघ विविध संस्थाओं के पदाधिकारियों की उपस्थिति थी, जिसमें जनलोकशाही संस्था के अध्यक्ष सैयद नासिर ने जिलाधिकारी के मार्फत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उदय ठाकरे जी को एक पत्र देकर विविध मांग की, जिसमें उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए विविध योजनाएँ संचालित की जाती है, किंतु आखिरी पंक्ति के लोगों तक उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ये सभी योजनाओं की जन जागृति हो, ताकि सभी को इसका लाभ समय पर मिल सके। वही सचर समिति की सिफारिश को लागू कर मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक आर्थिक 15% आरक्षण दिया जाए, जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति के रिक्त पदों को भरा जाए, शासन धोरण विरोध अल्पसंख्यक योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, मौलाना आज़ाद आर्थिक महामंडल को प्रभावी तौर पर कर्ज मुहैया कराया जाए व मंडल की रिक्त पदों को भरा जाए, ऐसी अनेक मांगों की पत्र में मांग की गई। कार्यक्रम में जनलोकशाही संस्था के अध्यक्ष सैयद नासिर, अल्पसंख्यक समिति के अशासकीय सदस्य नौशाद खान, शेख नईम चांद खान, सैयद जमीर आदि मौजूद थे। कैमरामैन सईद खान के साथ सैयद जमीर, जेके की खास रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद है अकोला शहर के कलेक्टर ऑफिस में। आज अल्पसंख्यक हक दिवस है। आज हमारे साथ मौजूद है अकोला शहर के उप जिलाधिकारी माननीय खड़से साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे। मैं खास तौर पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, सभी का विकास करने के लिए, विकास शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरीके का विकास करने का प्लान अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से कर सकते हैं। ज़्यादातर योजनाएं हमारे एजुकेशन के बारे में सब योजनाएं हैं, और बड़े बड़े जो अल्पसंख्यक विभाग के विभाग में से प्रस्ताव भी अपने आते हैं। आरोग्य पे अभी बारसी टाकड़ी में सब आरोग्य दवाखाना जो है वो भी बनने जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम है अपने पास, जो जो प्रस्ताव आते हैं वो भेजते हैं। तो मैं सभी अल्पसंख्यक दिन के माध्यम से आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें भी डिस्कस हो गए कि अगले साल में एक अच्छा सा एक अकोला जिले का एक एक्शन प्लान बना के उसके माध्यम से जो स्थानीय स्वराज संस्था है उनसे सबके प्रस्ताव मंगा के वो गवर्नमेंट को भेजेंगे, और अच्छे जो कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो हमारा अल्पसंख्यक विभाग है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, तो आप ये आके हम आपकी सभी दिक्कतें हैं, सभी तकरार जो अड़चनी है आप बता सकते हैं, उसमें हम गौर करेंगे और सबका विकास करने की अल्पसंख्यक विभाग का अल्पसंख्यक का जो योजना है सभी प्रभावी तरीके से जो इम्प्लीमेंट करने का कोशिश पूरी तरह अकोला जिले में की जाएंगी। आज 18/12/2020 को अकोला के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर एक अल्पसंख्यक हक दिवस आयोजन किया गया था। इसके अंदर तमाम अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य, तमाम NGOs के अध्यक्ष मौजूद थे। उसके अंदर आज हमने एक मांग की है कि अल्पसंख्यक दिवस, हक दिवस जो है ये सिर्फ 18 तारीख को ही नहीं मनाया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक के जो एक्चुअल जो योजनाएं सरकार ने जो लाई है वो सिर्फ कागज़ पत्र पर है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कितने सालों पहले ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल अभी तक नहीं हो पाया है। उसके अंदर मुस्लिम लोगों को आरक्षण की मांग की गई थी, उनकी बदहाली के बारे में बताया गया था, और तमाम जो योजनाएं हैं उसका सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंट जिला स्तर पर होना चाहिए, ऐसी हमने मांग की है।
जिलाधिकारी साहब से। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।